पार्वती जी की कथा कहती है कि पार्वती जी ने बाल्यावस्था में बचपन में ये विचार कर लिया, पार्वती जी ने बचपन में ये जान लिया कि भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना। आप ये ना सोचें कि केवल आप शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप ये ना विचार करें कि केवल आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, आप ये विचार ना करें कि केवल आप शंकर को प्राप्त करना चाहते हैं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती जी ने भी शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, माता सती ने भी भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया, श्री हनुमान जी महाराज ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया, स्वयं भगवान नारायण ने भी राम अवतार रखकर शिव को जल चढ़ाया, भगवान कृष्ण अवतार लेकर भी शंकर को जल चढ़ाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जब नारायण ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, इंद्र ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, जब सबने जल चढ़ाकर अपनी मन की कामना पूरी कर ली, अपनी मनवांछित फल प्राप्त कर लिया, तो फिर मनुष्य क्यों भटके, वो भी शंकर को जल चढ़ाए और अपनी मनोकामना पूर्ण कर ले। क्यों भटके, किस लिए भटके? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा